संसदीय कार्रवाई के दौरान कई बार ऐसा देखने को मिलता है जब सांसद ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसे असंसदीय अथवा अमर्यादित कहा जाता है। हालांकि ऐसे शब्दों व वाक्यों को कई बार संसदीय कार्रवाई की रिकॉर्ड से अलग कर दिया जाता है, लेकिन देश में उस पर चर्चा होती रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में शब्दों के प्रयोग को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी की गई है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय 2021 शीर्षक के अंतर्गत ऐसे कई शब्दों और वाक्यों की सूची तैयार की है जिन्हें असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने वाले सांसद चर्चा के दौरान कोरोना स्पेडर, जुमला जीवी, जय चंद तथा भ्रष्ट जैसे आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें, लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी की गई बुकलेट के अनुसार ऐसे शब्दों के प्रयोग को अमर्यादित आचरण माना जाएगा और ये सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे। इन शब्दों के अलावा संसद में निशाना साधने के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द जैसे बोल, बुद्धि, स्नूपगेट के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। यहाँ तक कि आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला शर्म, दुर्व्यवहार, विश्वासघात, ड्रामा, पाखंड और अक्षम जैसे शब्द अब लोकसभा और राज्यसभा में असंसदीय माने जाएंगे। बता दें कि शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चंडाल, चौकड़ी, गुल खिलाएं, पिट्ठू जैसे आदि शब्दों का भी दोनों सदनों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बुकलेट के अनुसार असंसदीय शब्द वाक्य या अमर्यादित अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखे गए हैं। शब्दों में कमीना, काला, सत, दलाल, खून की खेती, दोहरा चरित्र, निकम्मा, टैंकी, ढिंडोरा पीटना, बहरी सरकार, चिल्लम लेना, छोकरा, कोयला चोर, गोरु चोर, चरस पीते हैं, सांड, खालिस्तानी की साथी, विनाश पुरुष, तानाशाही, तानाशाह, अराजकतावादी, गद्दार, अपमान, गिरगिट, घूस, घड़ियाली, आंसू, असत्य, अहंकार, काला दिन, काला बाजारी, खरीद फरोख्त, दंगा दलाल, दादागिरी, बेचारा, संवेदनहीन, सेक्सुअल हरेसमेंट जैसे शब्द भी शामिल किए गए हैं। इस मुद्दे पर अरविंद जय तिलक, वरिष्ठ पत्रकार, ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। संसद देश की सर्वोच्च पंचायत है। देश का आम जनमानस यह उम्मीद रखता है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें जिसके कारण संसद की गरिमा को ठेस पहुँचे और आम जनमानस में अपने जन नुमाइंदगी करने वाले लोगों के प्रति निराशा और आक्रोश का भाव उपजे। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि संसद में विपक्षी दलों के अलावा सत्ता पक्ष के तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा कुछ ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिसे संसद की गरिमा धूल धूसरित हो जाती है। ऐसे में लोकसभा सचिवालय ने कुछ ऐसे चुनिंदा शब्दों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, यानी उसे असंसदीय माना है जिसका इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकता है। इन शब्दों में तानाशाही है, निकम्मा है, अंट, संट, शकुनी, जयचंद, न जाने कैसे ऐसे विशेषण हैं जिनके इस्तेमाल के जरिए अक्सर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को और सत्ता पक्ष जो है विपक्ष की घेराबंदी करता है, उसे लेकर के बवाल भी हो जाता है और देखा जाता है कि संसद के करोड़ों रुपए ऐसे अनर्गल प्रलापों में खर्च हो जाते हैं। अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या यह लोकसभा सचिवालय द्वारा जिन शब्दों को अमर्यादित और संसदीय कहा गया है, क्या विपक्ष इसका अब इस्तेमाल नहीं करेगा? देखिए, तो विपक्ष जो है इस पर सवाल उठा रहा है, सरकार की घेराबंदी कर रहा है कि सरकार जानबूझ करके कि उसके खिलाफ जो है आलोचना न हो, उसकी जो नाकामियां हैं उसका जो है जनता के बीच न जाने पाए, इसलिए जो है इन शब्दों को असंसदीय करार दिया है। लेकिन देखा जाए तो यह दुरुस्त नहीं है। मुझे लगता है कि सादगी के जरिए भी अपनी बातों को ईमानदारी पूर्वक संसद के अंदर कहा जा सकता है। एक वक्त था जब डॉक्टर लोहिया जवाहरलाल नेहरू जी पर जब हमला करते थे तो शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखते थे। अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं जो है देखा जाता था कि संसद के अंदर जो है मर्यादित भाषाओं के जरिए, चुनिंदा शब्दों के जरिए जो सबको सर्वप्रिय होते थे उसके जरिए जो है अपनी बात को कहते थे। तो ऐसी स्थिति में उचित ही होगा कि सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, अगर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल न हो और संसद की गरिमा बनी रहे और आम जनमानस में लोकतंत्र की शुचिता, संसद के प्रति जो उसकी निष्ठा है वह बनी रहे, तो ऐसे में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना आवश्यक नहीं है।
और विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसे जो है राजनीतिक दृष्टि से या जो है सियासत के फ्रेम में फिट करके नहीं देखा जाना चाहिए।